नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि एस से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि क्या है। दोस्तों, अगर हमें किसी की राशि का पता लगाना है कि किसी व्यक्ति की क्या राशि है, तो उसके लिए हमें चंद्रमा की पोजीशन देखनी होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो नक्षत्रों के राजा हैं, नक्षत्रों के अधिपति हैं। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में होते हैं, उस व्यक्ति की राशि वही मानी जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं एस नाम वाले जातकों की, कि एस नाम वाले जातकों का क्या व्यक्तित्व होता है, क्या स्वभाव होता है। जब चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में लगन कुंडली में 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि में होगा, तो आपकी कुंभ राशि बनेगी। कुंभ राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्वाषाढ नक्षत्र। अब बात करते हैं एस नाम वाले जातकों की, कि एस नाम वाले जातकों का क्या स्वभाव होता है, क्या व्यक्तित्व होता है। दोस्तों, एस नाम वाले जातकों को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें पहले कुंभ राशि, जो इनकी कुंभ राशि बनती है, इसका हमें अर्थ जानना होगा कि कुंभ का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, कुंभ का जो अर्थ है वो है घड़ा, घड़ा जो कि बहुत गहरा होता है, जिसमें काफी मात्रा में पानी आ सके, और जो किस काम आता है वो पानी हमारे पीने के काम आता है। तो एस नाम वाले जातक किस तरह के हुए? एस नाम वाले जातक ये अपने आप को ज्ञान के क्षेत्र में बहुत गहरा कर लेते हैं, कि किसी भी चीज की नॉलेज ये डेप्थ में जाकर के लेते हैं, और अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि जरूरत पड़ने पर ये लोगों को सटीक सलाह दे सकें, ये दूसरों के काम आ सकें। जैसे कि जो घड़ा है, उस घड़े का उपयोग पानी भरने के लिए होता है, ठीक वैसे ही ये लोग खुद को हर प्रकार के क्षेत्र में, यानी हर प्रकार के ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को तैयार करते हैं, और इस तरह से तैयार करते हैं कि ये दूसरों के काम आ सकें। एस नाम वाले लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, और अपनी कड़ी मेहनत और उस कर्म के प्रति इनका जो लगन है, उससे ये अपने जीवन में सब हासिल कर लेते हैं। ये लोग दिमाग से तेज होते हैं, ज्ञान का अर्जन करने में लगे रहते हैं, जहां से भी कुछ भी सीखने को मिलता है ये पीछे नहीं हटते। एस नाम वाले लोग बड़े ही उदार दिल के होते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि एस नाम वाले जातक ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को आगे रखते हैं, तो जब व्यक्ति को हर क्षेत्र की नॉलेज हो जाती है तो उनके अंदर ये समझ भी आ जाती है कि हमें किसी काम को कैसे मैनेज करना चाहिए। जब इस बात की समझ उनके अंदर आ जाती है तो मैनेजमेंट स्किल्स उनके अंदर डेवलप होने लगते हैं, और इसके साथ साथ उनके अंदर एक क्वालिटी और विकसित होने लगती है, वो है लीडरशिप की। अब जैसा कि इन्हें ग्रुप में काम करना पसंद है, तो ये एक टीम लीडर के रूप में अच्छे से काम करते हैं। एस नाम वाले लोग काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। एस नाम वाले जातक, इनकी जो राशि है वो कुंभ राशि बनती है, जिसके स्वामी है शनि। तो शनि क्या है? शनि कर्म को देखते हैं। तो एस नाम वाले लोगों को मेरी जो सलाह है वो ये है कि इनको अपने करियर के क्षेत्र में डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए, क्योंकि शनि जो है कर्म को देखते हैं, शनि डिसिप्लिन अनुशासनबद्ध हैं। तो एस नाम वाले जातक को कर्म के क्षेत्र में डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए। ये लोग हसमुख स्वभाव के होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बनाने में ये लोग थोड़ा चूजी होते हैं। एस नाम वाले लोगों को अपना शनि ग्रह मजबूत रखना चाहिए। शनि ग्रह अगर मजबूत है तो लाइफ में 36वें साल से धीरे धीरे ये तरक्की की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एस नाम वाले जातक अगर बिजनेस करते हैं तो इन्हें अपने एम्प्लॉयज, सर्वेंट्स, वर्कर्स को खुश रखना चाहिए। अगर ये एम्प्लॉयज हैं तो इन्हें जो नीडी पर्सन हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इन्हें मदद करनी चाहिए।
तो आगे बात करते हैं एस नाम वाले लोगों का लकी नंबर क्या है। दोस्तों एस नाम वाले जातकों का जो लकी नंबर है वो है 1। आगे बात करते हैं कि एस नाम वाले लोगों को शनि ग्रह मजबूत करना चाहिए। इसके लिए इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए और जिस काम को करें उसे पूरे डेडिकेशन के साथ करें। अब आगे बात करते हैं एस नाम वाले लोगों के लिए बेस्ट डायरेक्शन क्या बनती है। दोस्तों एस नाम वाले जातकों के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी कि एस नाम वाले लोगों की क्या राशि बनती है और एस नाम वाले जातकों का क्या व्यक्तित्व है और इनका क्या स्वभाव है। मैंने आपको ये जो जानकारी दी है एस नाम वाले लोगों के बारे में, ये बहुत ही जनरल जानकारी है। अगर और भी आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होरोस्कोप में प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।